भी कहाँ देखता हूँ, मुझे मेरे दोस्त ने बताया। कौन से दोस्त ने बता दिया ऐसा? आगे नाम था उसका। अच्छा, ये बताते तेरे दोस्त, घर वाले कुछ नहीं बताते? घर वाले भाई बहुत सही हैं। सही हैं? तो उन्होंने कुछ तो बताया होगा। कुछ नहीं बताया। एक सेमेस्टर चलाना है कि नहीं चलाना? कुछ नहीं भाई। ऐसे करेगा गांव का नाम रोशन? तेरे गांव वालों ने इतनी मेहनत करके तुझे यहाँ भेजा है। गांव वालों ने कहा मेहनत की? तो किसने करी? मैंने की थी एग्जाम। क्या तो मेहनत की तूने? सेल्फिश नहीं हो गया भाई तू? तू ऐसे नहीं लगता सेल्फिश है तू? मैंने की है मेहनत, मतलब सेल्फिश है तू? देख जो सोचा मैंने पा लिया भाई। सोचा तूने IIT था, ठीक है? NIT में बेड छाड़ता फिर रहे ना, ठीक है? बकवास मत कर। मिल रही थी IIT वाली ब्रांच में। हाँ तो जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। अरे यार उसके लिए फिर और पढ़ना चाहिए, 6 महीने से थोड़ी ना होता है वो। तो उसमें भी घर वालों का शुक्रिया, नहीं 6 महीने एटलीस्ट तुझे पढ़ाया। किसकी किताब है ये? लोकी की है क्या? फिर फंस क्या? ओ बहन चोद, उस दिन लेके गया था मोटड़ी का। अरे हाँ उसका, मैं उसी के कमरे में था। फिर आता क्या था भाई तेरे पास है क्या? मैं कहा जाके देखता हूँ, होगी तो ठीक। अरे एक दिन ये कमरे में आया, ऐसी उठाई किसी की किताब के, ले जाऊँ मैं, ले जा। अरे अब मेरे को भी ढूंढने पड़ेगा ना मेरी। अरे ये वो 6ठी क्लास में बच्चे पहली बार मिडिल फिंगर दिखाना सीखते हैं ना, तो भाई कोई भी बात तो मिडिल फिंगर देखा। तू नर्सरी में उंगली दिखाते हो तो है, केजी में आए नहीं, स्कूल है तेरे उधर। नर्सरी में पता भी था तुझे, तू लड़का था लड़की। पेन के घुमाती थी मम्मी बड़ी बहन की नर्सरी में उंगली। परावन का फिरा भाई, इसका प्रोसेसर फट गया। कांड में पड़ जाएगी। लायरा लायरा इससे बोलता नहीं हूं मैं। क्यों बोल? ये चला गया तब बोलना चाहूंगा। ओए बेटर है यही पे। भाई बहुत बढ़िया, यही सोया कर तो। भाई मतलब तू कितने साल का था जब स्कूल जाने लग गया था? 15 सही कह रहा भाई, 15 समझ रहे सॉलिड भाई। तो ऐसा बना रहा भाई इतनी फुटबॉल मत मारा कर भाई, छोरे के बेडशीट पे वो बन गई डिजाइन फुटबॉल की। कहाँ बन रही है? ब्लैंकेट पे, ब्लैंकेट पे। कहाँ बन रही है? अच्छा यार। अरे वो भाई बता दे कोई दिक्कत है तो कह दी दौरे पड़ते रहते सीएससी वालों को, डोज देना पड़ता भाई टाइम टू टाइम। भाई इसको तो डेली मिल जाती है किसी ना किसी से, कसम से। कल राहुल इसके पीछे पीछे आ रहा था, वो कहता राहुल बी वाला जा। हाँ CSB। राहुल कौन है? एक गांड मारेगा फिर पूछेगा। हाँ भाई वो सही में मारे बिना नहीं छोड़ेगा। कहाँ से आ गया परिंदा? मैं परिंदा आ गया। परी है भाई, परी उड़ता हुआ छोड़ता मतलब पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त। अरे तू बता
नर्सरी में कितनी बार घूमता था तू अपनी पैंट में? नर्सरी पढ़ी कहाँ मैंने? तभी तो कह रहा हूँ सीधा एडवांस देने आ गया। अबे सीधे क्लास एक से गया हूँ ना मैं। देखा देखा स्कूल ही नहीं था गाँव में। सरकारी वाला एक से शुरू होता है वो भी खींच के ले जाते हैं। ठीक भाई मैं सरकारी गया ठीक, तू प्राइवेट गया ठीक, अपने उसमें रख। वो भी खींच के ले जाते थे तुझे सारे। भाई मैं खींच के जाता था। ओए ये तो मैंने देखा उस टाइम पैसे होता था, बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे ना तो जबरदस्ती पकड़ के ले जाते थे। चल स्कूल का डेवलपमेंट करना है, बजट लेना है, बच्चे दिखने चाहिए इस क्लास में। सरकारी में थोड़ी ना बजट देखते, कितने भी जाए उसमें उनको क्या फर्क पड़ता। 15-16 साल तक होते होते तो जेई ने भी एक और नई कैटेगरी डाल दी, अदर सुपरमेसी। उनकी तो तेरी नेगेटिव हो जाएगी अदर्स के लिए। कंपनियों में भी कुछ कोटा वगैरह लगता है पीडब्ल्यूडी का? कंपनी में नहीं लगता। पीडब्ल्यूडी का भी नहीं लगता? नहीं कंपनी में। तो फिर तो भाई पीडब्ल्यूडी के लिए काफी दिक्कत है यार, मान ले कहीं दूर का पीडब्ल्यूडी है भाई, बिजनेस होता है ना फिर उनका। अरे यार वो थोड़ी ना करेंगे, कितना पैसे छापते तुझे क्या पता। अरे भाई तो पढ़ने क्यों आए, वही करना था हमें तो। तो भाई चूतिया है क्या तू? सर माइंड माइंड ची होता है वहां पे भी, रोड पे भी लोगों को काटने के लिए। नहीं रे स्कॉलरशिप मिलती है दुनिया जहान की भाई। उन्हें भाई सब स्कॉलरशिप देते हैं भाई, क्या फायदा यार। मिलनी भी चाहिए भाई, मिलनी भी चाहिए। कितने होते हैं यार 1000 में एक दो होते हैं। विकास को नहीं मिलती लेकिन। तो भाई तू सोच, क्योंकि दिखा नहीं सकता ना मैं अलग उससे हूँ। तू स्कॉलरशिप के लिए वो हो सकता है क्या पीडब्ल्यूडी में? नहीं होगा। तू एक किसी से यूं क्या भाई, तेरा आईआईटी हो जाएगा अगर तू उंगली कटवा ले तो। तू तो जीप कटवा लेगा। वैसे ही भाई गलत बोलता है। एक सेमेस्टर। एक सेमेस्टर है ना, कहता एक सेमेस्टर। कह रहा ऊपर ऊपर से दिख जाती है, जो अच्छी लग रही है उधर वही देखता हूँ। भाई तू बाहर मेला देखने गया था कल, किसके साथ गया था? अपने दोस्तों से। उन्हीं दोस्तों जिनको तू गाली दे रहा था एक दिन बैठ के? किस दिन? वो नहीं, अलग दोस्त। हाँ। कितने थे? सात। चक्के एनआईटी के बाहर के थे अंदर के थे? मेरी ब्रांच के थे सारे। तेरी ब्रांच कौन सी है? सीएस सी। हाँ। तो पूरी कौन बोल देगा? सीएससी। गुड, धीरे धीरे पता चल जाएगा कॉलेज को तुमसे घंटा मतलब नहीं है। सेकंड ईयर से। तो भाई मैंने कुछ कहा? भाई ना तो इनके टीचर आते क्लासेस में, ना इनके पेपर होते टाइम से। इतनी गंदी हालत है सी सेक्शन की है भी, पता नहीं चलता। इस बार थर्ड ईयर के ना मिड सेम 2 मिड सेम 3 एक साथ हुए हैं। अच्छा लगातार ऐसे नहीं है सितंबर में मिड सेम 1 नवंबर में मिड सेम 2। अरे वो तीसरे बच्चे की तरह होता है ना, करना नहीं होता बट गलती से हो जाता है। तो वो सीन हो रखा है सीएस के साथ। इसलिए बनाई थी ताकि रैंक थोड़ी सुधर जाए कॉलेज की, इसलिए सेक्शन बनाया था नया। पर जैसे जैसे पता चल रहा है ना किसी काम का नहीं है, तो एआई में बच्चे सीटें बढ़ा रहे हैं। अरे भाई इसको सदमे में इसका बेस्टी भाई कल मेरे से झगड़ रहा। हाँ इसका बेस्टी मतलब ये बेस्ट इस प्रकार के है, वो उसे गाली देता है, उसका व्लॉग नहीं है मेरे पे, मस्त बनता उस दिन बनाता है। कौन नाम क्या उसका? प्रियम। प्रियम प्रियम। तो भाई कल वो मेरे से ऐसे झगड़ रहा, भाई सेक्शन मिलते हैं जो पहले आता है ना रजिस्ट्रेशन में उसको ये मिल जाता है, जो बाद में आता है उसको सी होती है। यही होता है यार, पहले भी यही गाली दी थी बैठ के लड़े को। अरे मान मेरा यही होता है गांडू। पूछा था यार मैंने, पूछा क्या उनसे? पूछा था जहाँ वो हो रहा गलत बता दिया उन्होंने,
उन्होंने बताऊ पहले तेरी उम्र देखी फिर तुझे बता दिया। आसान शब्दों में समझा के जल्दी फ्री करो। मैंने पूछा था जितने लड़के आए ना सारे 18-19 को आए। अच्छा मेरे सेक्शन। अच्छा तू कब आया था भाई? मैं 14 हूँ। देखो है तभी उसको ये होए। तो आए मैं तो चूतिए उसके हिसाब से थे रैंक के हिसाब से। हाँ तो रैंक मैं फिक्स तो था बस ये वो रिजर्वेशन का कोटा फिर थोड़ी सी रैंक मैटर करती है भाई। ऐसे वो फिर आती है उम्र उसको तो सी एस ए मिला है क्योंकि तो सही बात तो है कोटा में तो कह रहा है वो। वैसे तो ओबीसी से मुझे ये मिलना चाहिए था भाई। ओबीसी है गाड़ी में फर्क देख रहा कितने का जमीन आसमान का है भाई। मुझे चौबे को बुलाया था मैंने इनसे फोन भी किया था वो कह रहे थे 14 को आ जाओ मेरा ट्रेन का टिकट नहीं हो पाया था। बस तो फिर तेरी गलती है फिर तू गलत चीज बहस कर रहा है। अच्छा हुआ बेंचोद भाई तुम बच गए वरना एक को गाड़ी देती रहते तुम क्लास में। तो इसको मैं जानते ही कहां मैं दोस्ती नहीं करता तो ये तो तेरे को अब किसने बता दिया तुझे तभी यार सीम में चला गया यार। सही है भाई तो सीम है भाई सारा कचरा एक तरफ रहने एक रोहित है सिया रोहित जिसके पास हाँ भाई रोहित तेरे को बताई थी कहता मोहित के साथ बहस होगी इसकी कहता कि भाई मोहित कहता तेरे को क्लास के ग्रुप से रिमूव करवा दूंगा कहता करवा के दिखा ऐसे कैसे करवा दे फिर फोन मैंने मैसेज डाल दिया तेरे में फोन घुमा दिया भाई ने भाई सॉरी यार गलती हो गई भाई आगे से नहीं करूंगा बाहर जाके ये सब कराए अंदर आके रिमूव करवा के दिखा। अब मैं कर रहा भाई वो तो सॉरी बोल रहा है क्या बात हो गई डेंजर भाई करवा देगा तो क्या मैं दो नंबर से जुड़ रखता हूं ग्रुप में तो दोनों नंबर तेरे पास है तो भाई एक नंबर किसी पता नहीं मेरा कौन नंबर है वो तो वो भी कह देंगे अननोन वाला उड़ा दो। अननोन वाले हटाते नहीं 67 बच्चे जुड़ रखे हैं शान भी लड़ते हैं। सीआर को पता है ना सीआर को भी नहीं सीआर सीआर के पास इसका नाम सेव नहीं वो चुतिया रिमूव कर बैन के लड़ोगे सीधी सी बात है। अब जब 67 बच्चे हैं शान में नंबर उसमें है ग्रुप में कहां से तेरे को पता उससे मैं उसका फोन लेके चेक कर सकता हूं कौन बच्चा कौन कौन है नहीं चेक कर सकता मैं नंबर भी बदल सकता हूं मैं नाम भी तू फिर उसी बात पे आगे तेरे को ग्रुप से निकलवाओ ना निकलवाओ हां हां चार पांच चूती है क्यों आ गया यार तू वही रहता ना भाई तूने महेश बाबू की वो क्यों लगा रखी है वॉलपेपर लगा के विराट कोहली के साथ सेमेस्टर में सर्च कर रहा है महेश बाबू एक्सप्लिसिट अगले में मीम आ रही है भाई के पास चुद गया ना सेमेस्टर अजीब प्राणी है यार कर देना इसको साइड पे ये नहीं होगा भाई साइड में भाई ये चल विकास सीरियसली बता सुन ओए विकास सीरियसली बता सुन रहे आर्यन बात कर रहा भाई रो रहा भाई वो रो रहा भाई यूं कह रहा आज पापा ने सपोर्ट नहीं करा विकास सीरियसली बता यार सुन अबे हटा देना खींच दे मैच नहीं अपने पे तो चिल्ला मनहानी का केस हो जाएगा अबे तू ओए हमसे और कह रहा था भाई हरासमेंट का गया था उस दिन कंप्लेंट लिख के हरासमेंट की रात में पढ़ते हुए शर्म आएगी मत क्या लिखेगा हरासमेंट में ये मुझे मारते हैं गाली देते हैं भाई सुनेगा सीरियसली सुन तू केशव की जगह बैट कर ले तेरे को क्या दिक्कत है उसकी तरफ तो गई बैट चेंज कर ले केशव के साथ पोजीशन
बोली चेंज कर ले है चेंज कर अभी नहीं अभी नहीं क्यों चेंज करना है तेरा क्यों चेंज कर ले केशव को मैं और केशव साथ में जोड़ लेंगे बैठ हमारा फिर तेरे को कोई गाली भी नहीं देगा हाँ। ये जो आएंगे इधर बैठेंगे बीच में तू गाली खाएगा देख दोनों साइड से हाँ तो वो पसंद है इस पे लगाना पड़ेगा हरासमेंट का केस भाई मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा अब कहेगा मेरे पास दो नंबर है क्या करता था तू नहीं जानते पता चल बता जानना है आज हम तेरी गैंगस्टर स्टोरी सब सारे काम जब तू सोता ना अच्छा तब तू इससे मिल के कर दूंगा अच्छा ये क्या 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 क्या, क्या, क्या काम कर देगा तू इससे मिल के कर दूंगा सपने में आएगा उसके ओए रात को सो रहा हूं मेरा खड़ा तो रहते ही ठंडी की वजह से तू प्रेग्नेंट फिर भाई के पता चले सुबह तक एप्लीकेशन भी आ गई मेरे गेट खड़खड़ा रहा है फिर तो तुझे वो रिजर्वेशन नहीं मिल जाएगा कन्वर्ट होना शादी करनी पड़ जाएगी ना भाई एसटी का कोटा मिल जाएगा लौंडे वो सही है फिर भाई एसटी की तैयारी करवा दियो तेरे बेटे की जिंदगी बढ़ जाएगी एसटी कोटा नहीं चाहिए तो मिलता भी नहीं तुम्हें और क्या चाहिए जिंदगी में लॉकडाउन के बाद से आज तक जिंदगी में पढ़ाई नहीं करी वो भी यही है तू भी यही है और तेरी गाड़ियां लिया सही में भाई सही है फिर तो तेरा काफी सही है मैन भाई लोग देख एडमिशन लेना मुश्किल है यहाँ ऑनेस्टली तुझे सब बराबर ही पड़े हैं बराबर ही है शक्ल बन गई उसकी हाँ सही बात है भाई ऐसी तेरी हालत है ऐसी इसकी हालत है मेरे को तो खुद शौक में उम्र मेंस में 85 आ कैसे गई क्योंकि मेरी 12th में 77 है और बता लाइन पे खड़ा है भाई मैं बस 75 वाला क्राइटेरिया पार कर रहा है मैंने और क्या भाई हमारी क्लास में एक लड़का है उसके इतने 76% बने कहता वो रीअपीयरेंस दूंगा मैं तो इम्प्रूवमेंट दी 73 बन गए पुरानी मार्कशीट लेके आ गया यहाँ पे और एडमिशन भी हो गया ओ पेंशन किस ब्रांच में भाई पूरी बात ढंग से सुना कर तू ना जरूरी थोड़ी सारे एनआईटी में ही है किसी और कॉलेज में भी जा सकते हैं और क्या भाई मैंने कहा फिर तू क्यों पूछ रहा किस ब्रांच में अरे भाई ब्रांच तो मिली होगी जेपी कॉलेज में जो सही में भाई वो लौंडा किस बोर्ड के परसेंटेज बता रहा है ब्रांच सिक तो करेगा क्या मुंह में लेगा क्या उसकी क्लास में जाके भाई उससे बढ़िया तो मेरा ले लियो यार इतनी बुद्धि तो थी मेरे पास कि रीअपीयर के वो इम्प्रूवमेंट के पेपर ना दूं मैं मारण लग जाऊंगा मेरे से ज्यादा पेर होते कैटेगरी को बैठ के लोड़े केमिस्ट्री में जुदा हूँ मैं 3 नंबर से वरना मेरी सारी कट ऑफ क्लियर थी एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पर स्पेसिफिक कट ऑफ रह गई तो तू एडवांस पास नहीं है ना एक केमिस्ट्री एसटी लगा के भी नहीं तू पास हो पाया वही तो दिक्कत थी इसी की शर्म रह गई बस और किसी चीज की शर्म मैं तो ओबीसी लगा के पास हुआ गांड तो यही मरा रहा है हां नहीं यार क्वालीफाई होना भी एडवांस वो होता है क्वालीफाई क्वालीफाई हो गया फिर क्या हुआ कुछ नहीं कुछ नहीं भाई
जज्बा भाई आईआईटी दिल्ली में कुछ लेके बैठा होता है ना, फिर अब तेरा जज्बा मानते भी ऑनेस्टली कुछ हो की है लड़के भाई, क्वालिफाइड होना भी एडवांस बड़ी बात होती है। हाँ, वो क्या गया उससे? हाँ, हो क्या? कौन सी जॉब में लगाया था तो मैं एडवांस, वो भी सीएस में ही है देख, और वो सीएस ए में हो रहे फर्क का है मेरे को ये, वो सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है उसको क्वालिफाई, तू क्वालिफाई है ना एडवांस में? हाँ। पार्शियल रैंक तो आई होगी तेरी? हाँ। कितनी थी? ओबीसी में थी वो, तो कैटेगरी में बता। जनरल भी आती है, जनरल की बता। 14,000 कैटेगरी में, 14,000 थी जनरल, 14,000 थी कैटेगरी में, कैटेगरी में थी कैटेगरी, इसका कैलकुलेटर देख लेना थोड़ा, 35 से समथिंग, 35 से तुझे पता था 5 साल 5 साल में तू ड्यूअल डिग्री भी कर सकता था आईआईटी से, पता था भाई। फिर आगे 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 क्या थे, 2 नंबर थे तो 1 नंबर वहां चल रहा है अभी मेरा, चल रही है कानपुर में एनवायरमेंटल में गई थी मैं, फिर नहीं मरवाई थे यही ना, लेने नहीं यार, एमटेक भी हो जाती बीटेक के साथ, बता और क्या चाहिए था, पता है सब पता है, पर क्या करें माइनर रह गया ना, तो माइनर से थोड़ी ना भगा देते मुझे यार, भगाते नहीं है ना, तूने सोचा ही नहीं ना इतना कि आईआईटी का नाम ले लूं और मास्टर्स कर लूं, सही थी वैसे ड्यूअल डिग्री वाली बात भाई, बहुत सही स्कीम है ड्यूअल डिग्री, अपने कॉलेज में भी आ जाएगी दो, कुछ तो है नहीं तूने इसलिए नहीं लिया आईआईटी क्योंकि वहाँ 1 साल बाद वापस टेस्ट देना होता है, इंटरनल टेस्ट होता है, जब तुम 5 साल वाला करते हो ना ड्यूअल डिग्री पार्शियल रैंक वो पे, केवल एसटी वालों के लिए होता है, जनरल ओबीसी के लिए प्रिपरेटरी रैंक आती, प्रिपरेटरी रैंक जानता है क्या होती है? उसी पूछ तेरी आई होगी हाँ, तो वो केवल एसटी वालों के लिए होता है, तुम्हारी क्या आती है? मेरे में सीधे ओबीसी रैंक आती है, ओबीसी और जनरल रैंक के लिए नहीं होता है साले, मेरी जनरल रैंक भी आई ना, जिनकी प्रिपरेटरी रैंक आवे ना सबके लिए होता है, पेपर होता है उनका, केवल पेपर होता है, जो प्रिपरेटरी रैंक जिनकी आती है उसका मतलब मालूम क्या होता है? हाँ। तूने कोर्स में एनरोलमेंट तो ले ली, अब उसको वहाँ ये एसटी एसटी वालों को टीचर कहाँ मिलते हैं इतने बढ़िया, सरकार सोचती है, सरकार का ये सोच देख रहा, अलग से क्लासेस लगा रखी है हमारी कैटेगरी की आईआईटी में, और क्या तुम्हारा कांड फाड़ दे आईआईटी में हम जाके, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो भाई सच में एसटी में प्रिपरेटरी पता नहीं क्या चूतिया पर नई बात बता रहा है, चल इतना मान लिया कि हमारे लिए होती है अलग से एग्जाम होता है, इतना मान लिया भाई, क्या रहा है तुम्हारे लिए टीचर नहीं मिलते, अरे सुन तो पूरी बात सुन, वो सरकार सोचती है कि कोचिंग में एसटी वाले अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनको यानी कि वो अपने दम पर लाते हैं नंबर, तो उनको थोड़ी सहायता के लिए वहाँ पढ़ाते हैं अलग से। हाँ, ये कोचिंग वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने भी सुना है कि कोचिंग मिलती है वहाँ पे अलग से, ऐसा कॉन्सेप्ट है कुछ, वो पढ़ाते फिर पेपर लेते फिर उनके हिसाब से उनके नंबर के हिसाब से उनको ब्रांच देते हैं, ये होता है पूरा, तभी एससी एसटी में केवल प्रिपरेटरी रैंक आती है, तेरी आई नहीं ना तुझे पता नहीं, मेरे दोस्तों की आई है, हाँ वही तो, ओबीसी वालों की भी, वो क्या है बच्चों ओबीसी में प्रिपरेटरी रैंक आती नहीं है, पता चल गया था गलत बोल रहा हूँ, भाई देख ये लोग डालूंगा ना कमेंट में जनता अपने आप बता देगी, सबकी आईडी मेंशन कर दूंगा, भाई ये मोहित है सबसे आगे जो ब्लैक वुडी में है, ये विकास है, जो गलत हो उसको भर के गाड़ी देना। सच में भाई एससीएसटी में आती, तुझको गूगल पे दिखा, अच्छा ओबीसी में प्रिपरेटरी रैंक नहीं आती, बिल्कुल बढ़िया बात है, मां चुना है रैंक में, चलो तो छूट आया था नेटिव में, यहां पर आके भी 2 नंबर कर रहा है, सही में विकास तू बच के रही हो यार, रजत मेरे तो सही में समझ नहीं आया भाई, इतना कॉन्फिडेंट है मेरे पास 2 नंबर में पकड़ा नहीं जाऊंगा, अब तुझे पता है इसकी शक्ल कैसी, मुझे पता है इसकी शक्ल, आधे हॉस्टल को पता है इसकी शक्ल कैसी, सेकंड ईयर में मिल गया किसी दिन हाथ के नीचे, फिर करता रहेगा भाई मैं, मेरा तो नंबर ही नहीं है भाई ये।
हमें नहीं पता राहुल कौन है, है? बहुत ले भाई, वो भी इसी में नहीं आती। अरे तो वो अरे वो टॉपिक ही छोड़ो यार, अपने आप गाली बकेगी जनता। सुधर जाओ, दो नंबर नहीं बचाएंगे। हाँ तो भाई जनरल वही बात थी ना, बात बदल ली तूने। बेड केशव के साथ एक्सचेंज करने में क्या दिक्कत आ रही है? नहीं एक्सचेंज करूंगा मैं। प्रॉब्लम क्या है ना, क्या दिक्कत है? नहीं मेरी मर्जी। अबे मर्जी क्या होता है? नहीं करूंगा। ये दोनों मेजॉरिटी में, इन दोनों की मर्जी के इसे अपना बेड यहाँ रखना है। मेरा यही था, यही रहेगा। अबे सो रहा हो ना रात में, यूं लात मार के इसको नीचे गिर रही हो, इसका बेड इधर किसका? सुबह अपना उठ के आ जाए। इसकी सहमति ये ना। और क्या? केशव बैठ लगा उधर, फिर ये पूछेगा केशव भाई ऐसा क्यों करा? केशव सीधा गया मेरी मर्जी। अरे केशव नहीं करेगा ना, तू कर दे, मुझे बता दियो, मैं कर दूंगा। यार ये दो बंदे अलग से आ रहे हैं बेड साइड कर रहे। क्या कंप्लेन करेगा, पलंग इधर कर दिया। ये मुझे परेशान करते हैं। कौन करता है? हम तो आएंगे ही नहीं कमरे। तू इतना बदतमीज है, ये कमरे से चोरी करके जाता है। मैंने क्या सबूत है तेरे पास? मैंने करी, बता। सबूत है? हां देख बता। शर्म नहीं आती है? ना बिल्कुल नहीं आती। आती तो मैं भी 90% प्लस लाता ना भाई। तू दूसरों के घर में जाके चोरी करेगा? अपने घर में ले जाओ गलती से। तेरे घर वालों ने कभी सिखाया ही नहीं ना भाई। सिखाया तो बहुत, पर फिर भी कोचिंग से कैमरा उठा लाया मैं। पकड़ा उठ गया घर पे आने के बाद। थोड़ी तो शर्म कर भाई, दूसरे के कमरे से क्यों उठा के ले जाते? मैं तो उठाया ही नहीं, पता नहीं बैंड का लेन कौन कैलकुलेटर उठा ले गया, लेके गया नहीं लेके गया। ये किसका पड़ा है भाई? सुन तो रंजीत, रंजीत सुन तो, मेरे कमरे में आता भाई, तूने कैलकुलेटर क्यों उठाया? आर्यन कह रहा है तू उठा के लेके गया, ठीक है? मैं से अगले कमरे में भाई यार, अबे कैलकुलेटर ये रहा चुके कमरे, 1100 का है कैलकुलेटर, तो कान में डाल लेते 1100। अबे फिर भी इसमें दो ही ऑप्शन क्यों है? मतलब मेरा नहीं है यार, प्लीज बच के रहना। इसमें तो दो ही ऑप्शन है, मतलब दो ऑप्शन यानी ऐसे मोड दबाने से आगे की सकते हैं। फिर सीख लिए थे तो मेरा नहीं है यार, ठीक है? मेरे कमरे में आके कह रहा भाई तू लेके गया, आर्यन कह रहा है। अगले कमरे में जाके कह रहा भाई तू लेके गया, आर्यन कह रहा है। अरे देखो भाई, फिर बकचोदी कर दी तूने। बता राज ने, और भाई राज ने किया कसम से भाई, तू सबको बता दियो ये आर्यन का नाम ऐसे ही लेता है हर जगह। और मैंने आर्यन से आके पूछा, अरे यार मैं तो लेके ही नहीं गया। हाँ भाई मेरे को कसम से याद भी नहीं है। अगर रात से तूने यूं नहीं गई कि तू लेके गया? पहली पूरी बात सुना करना का। क्या सुनो, क्या सुनो भाई? मैं राज के कमरे में ये देखने गया था कि मैं कहीं तो नहीं राज के कमरे में। देख रहा, तूने मेरा पूरा कमरा चेक किया था ना? तुझ पे तो शक वैसे ही रहता है। अच्छा बस तो चिढ़ रहा है तो तू इसका। एक बार कमरे में गया तूने, कुछ इसके कमरे में किया, अब ये करेगा भाई? बिना पूछे आया, टेबल पे सारा सामान देखा, बैग वैग देखे। देखोगा नहीं साले, चोर किस्म का लगता है भाई। क्या वारंट है तेरे पास है? साले सर्च से भाई, ओए ये विकास देख, टू बी ऑनेस्ट ये चीज गलत है यार, तू किसी को मुंह पे चोर नहीं बोल सकता भाई। मुझे भाई बुरा मान जाए, सही में चोर। अरे बुरा नहीं मान जाए, देख ऑनेस्टली तेरे को बताऊं, देख शक्ल तो देख, तू अपनी भी देख के बोल फिर, उससे तो अच्छी है भाई। मुझे लगता है यार बस, अरे लगता है पे तो भाई दुनिया थोड़ी चलेगी। लगता है तू कह देगा ये चोर है, इसे लगता है तू मर्डरर है, केस नहीं ठुकवा देगा तुझ पे। मर्डरर की क्यों बेइज्जती कर रहा तू? तो पॉकेट मार लगता है। मतलब उसके लिए भी थोड़ा जी, सीरियसली चोर बन गया तो विकास कुछ नहीं बचेगा तेरे शरीर में भाई। मैं वैसे चाकू चुरा के लाया भाई। कौन? अरे चुरा के ला रहा है और फिर पोस्टमार्टम कर दिया भाई का इधर ही। ओए मेरी फोटो तो ना आ रही ना भाई? नहीं नहीं भाई, भाई ओ ओजू को कह के पीछे देख, बार क्या देव साइड कर पलंग भाई, बहुत देर होगी बकचोदी करते हुए। क्या दे ये सब भाई करेगा? नु क्या दे, राजी राजी रह लिया 4 महीने बीच में, अब मैं आऊंगा? क्या दे, एक सेमेस्टर तू बीच में था, अब मैं आऊंगा? हो ही नहीं सकता, तो एक बार घर तो जा एंड सेम के बाद। सर हम थोड़ी ना है यहां। हां की रात तो विकास, तू बच के देख कहां जाएगा, तू बच ले अभी। लाइब्रेरी भाग
बहुत बढ़िया। और 23 को तो मैं रहूंगा, 23 तक तो हूँ मैं यहाँ बस। क्या करेगा जब मैं हूँगा ही नहीं, साले का पलंग ही नहीं दिख रहा ची भाई। इसकी अलमारी कौन सी? अलमारी तोड़ ताड़ के पलंग गायब। भाई अलमारी की चौगाट के साथ मत करना कुछ, तीनों की उखड़ जाएगी। चल कोई नहीं, नट बोल्ट से खोल लेंगे, इज्जत से खोल लो भाई। वैसे ही हमारी ये दीमक से चुदी पड़ी है बहन की लोड़ी पूरी। तुम पागल हो, एंड सेम के बाद जाएगी, बदल दो पलंग, आएगा फिर अपने हिसाब से सो। भाई मैं तो अंदर सोऊंगा, मैं यहाँ सोऊंगा, तू अपना देख ले, तू अपना देख ले। अरन भाई तू इस पे आएगा ना, मैं उधर किनारे के लिए रेडी हूँ। ना नहीं आ रहा, लास्ट में आया था ना मैं इधर, तुम दोनों पे पूरी चॉइस थी, अलमारी की भी बेड की भी। हाँ। मैं लास्ट में इसी चक्कर में आया था, मेरे को किसी फालतू बहस नहीं करनी। अब तो जिसे जो अलमारी चाहिए, जिसे तो बेड चाहिए, ये यूं सोचा होगा पंखा भी ले लूंगा बीच में, अलमारी भी ले लूंगा। नहीं यार मैंने तो रेंडम चुना था, रेंडम ये सोचा थोड़ी ना था तब मैंने, कुछ दिमाग भी नहीं है ना तेरे पे, सोचता तो मैं वो डार्क ब्रो डार्क। बात तो ठीक है, दिमाग सोचता तो देखता नहीं लेता, दीवार है कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां सामान पटक के सो जाऊंगा बस। तू वहां से क्यों आया इधर? अरे ये इमोशनल कार्ड खेल के आ गया यार। मैं यार, हर जगह यार देख दया आ ही जाती है बंदे को भाई, बताओ क्या खत्म। अरे नहीं यार भाई देखो तो मेरा भाई आ रहा है भाई, वो घर पे बता देगा भाई, प्लीज भाई आराम ज्यादा है भयंकर, और जा भी नहीं रहा है, क्या बता भाई घर पे पता चल जाएगा मैं बीच में नहीं हूँ भाई। अरे तो बीच में नहीं है तो क्या, मैंने भी यही कहा था, मैं कहा भाई बेड ही तो चेंज हुआ है, ऐसे रूममेट की सहमति से होगा होगा। क्या दे पेपर है इसने टेबल के पास ही रख दिया भाई, बैठ के पढ़ ले। हाँ वही मैंने कहा था, मैं टेबल पे रहता हूँ पढ़ता हूँ, वहाँ पे इजी है, लैन भी है पास में। कहता नहीं भाई, भाई प्लीज भाई प्लीज यार, मेरा भाई आ रहा है प्लीज भाई प्लीज। भाई आए हो? भाई दूसरे कमरे में सो रहा। हाँ भाई वो कहाँ सो रहा भाई, वो किसी और के कमरे में सो रहा। सर वो आया आगे कहता तेरा भाई यही रुकेगा आज रात को, उसे भी नहीं पता। ना यही रुक रहा है कि किसी को बताइए मत। नहीं उसे पता नहीं थी, फिर ने कहा वार्डन के पास, कह रहा वार्डन से पूछ लिया। फिर अगले दिन फिर कह रहा फिर रुक रहा है। अरे वो एक साल ही तो पड़ा है ना, है वो भी 17 का ही। वही तो आया इसका भाई, मैं भैया भैया कर रहा हूँ, कितने साल का 17 में। हाँ यार भाई 17 का नहीं है, 2004 से जोड़ दे कितने की। अबे तब भी छोटा ही है। अबे 2004 का है वो। हाँ तो छोटा ही है। तो 2004 से भी छोटा है। तो पढ़ा हूँ। एज क्या है तेरी? 20। 20 साल मतलब क्या हुआ? 2003 है तू भाई, ये क्या भाई किस तरह से ऑपरेशन करेगा, पहले छाती रखेगा इस पे, फिर पेट, फिर चुत्तर। महेश बाबू की वीडियो आ गई होगी भाई, महेश बाबू की चल 5 फिल्में गिरा दे, इतना पसंद है ना तुझे। नहीं ये देख के तो नहीं बोल रहा भाई, फोन में तो वीडियो आ गई महेश बाबू की। महेश बाबू को तुम नहीं पसंद करता? तुम पिक्चर तो बता, नाम तो बता। हम दो मिले नहीं, हम तो आगे बोल और बता। सीएम भरत हम दो मिले, चार बार बोले यार। एक अभी आई थी यार वो, एक अभी आई थी, वो वहाँ गया था पहले, और एकल का कुछ वो बना था सीईओ, फिर वो वहाँ से यहाँ आ गया था गांव। गांव गांव पे आकर अरे वो से कुछ कंपनी ना ऐसे एक तो डाई हार्ट फैन है तुझे कंपनी का, कंपनी छोड़ अंदर का छोड़, पिक्चर का नाम ही नहीं पता भाई। पिक्चर थोड़ी नाम थोड़ी ना देखता हूँ मैं, पिक्चर की वो कहानी बता। अच्छा मैं समझ गया, उसकी स्टार्टिंग में भाई आईआईटी के सीन थे, इसलिए भाई ने नाम नाम पढ़ना ही अच्छा नहीं समझा कि मेरी तो खास बार है। नहीं पहले वो आईआईटी गया, आईआईटी मद्रास, फिर वहां भाई वो बता रहे चूतिए स्क्रिप्ट शर्म कर बहनचोद। हां फिर उसे वो आ गया गया, गया
साउथ क्या था तो अच्छा भी लगता है, नॉर्थ में किम जो चूतिये बात तो सही है, मैं तुमको चूतिया बना रहा हूँ। क्या बात है लोंडे, क्या बात है भाई, कसम से ये व्लॉग जो है ना, कसम से भाई विकास पटेल है इसकी आईडी पेल दे रहा। सारे महर्षि पिक्चर का नाम था क्या? महर्षि तूने देखी है? बढ़िया है ना पिक्चर? और बता, दो ही हुई अभी तो वो हम तुम तो कुछ ऐसी फालतू है, पता नहीं क्या हम तो हमने भाई आज तक देखी नहीं, नाम ही नहीं पता कहानी, चल कहानी बता उसका, हम तुम तो क्या था? अरे यार उसमें दो हीरो थे, एक रवि तेजा था उसमें। अच्छा फिर कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट था कि पहले ये दो जो गुंडे की दो लड़की, साउथ में कुछ भी बना रहे स्टोरी लड़ाई दे रही है बस। क्या यार पिक्चर है, चल और बता, तीन हो गए, दो और बता। और भाई और अल्लू अर्जुन, अरे अल्लू अर्जुन नहीं, दो हीरो नूर करने लग जा, नाट 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 नहीं, और यार एक उसके साथ है वो क्या, साढ़े इसकी चार पिक्चर है, ऐसी सीधी सीधी है अगर बता याद हो तो। श्रुति हसन के साथ एक पिक्चर थी, एक ही क्या है, इसका बाप बहुत अमीर होता है। अच्छा, और ये इसके लिए ये इसको बाप कहता कि तू कंपनी ज्वाइन कर ले, लेकिन ये करता नहीं, ये कंपनी ज्वाइन। अच्छा, उसमें श्रुति हसन थी। अब तो ये गा रहा तो चीटी अभी नहीं रहता, बैंड चोत बैंड समेत उठा के फेंक दूंगा। तू बता फिर उसको पता क्या चला कि उसका गांव भी है कोई। हाँ उसका गांव बैंड चोत गवाह नहीं हो भाई, कैसे पता चला? तू नाम बताना, कल स्टोरी तो हम भी बना सकते भाई। वो भक्ति वो श्रुति हसन के श्रुति हसन का गांव वही होता है जो उसका गांव होता है। अच्छा, उसके पापा छोड़ के आते हैं वो गांव। अच्छा, क्योंकि उसमें उसके गांव में जो गुंडे रहते थे ना, उससे उसकी लड़ाई हो गई थी। अच्छा, तभी फिर वो उसमें एक सीन याद है, वो श्रुति के साथ शादी में जाता है। हाँ, उसमें श्रुति की दोस्त मिलती है एक, दो बच्चों के साथ। बस भूल गया भाई। अरे यार तुझको याद है ना? हाँ। तो श्रुति एक लाइन कहती है, अगर अगर औकात से ज्यादा है तो बच्चों को गोद ले लेना चाहिए। एक बच्चा होता है, वो कहते हैं कि दूसरे बच्चा तो हमें दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो कहती है कि गोद ले लो, इससे अच्छा तो इससे बढ़िया गोद ले लो, तेरे को विकास कोई ले लेता गोद। क्या तो कोई ले लेता तो तू दूसरा ना होता रहा। नाम बता पिक्चर का, स्टोरी तो मैं सुना दू तेरे को स्टार्टिंग से लेकर सीक्वेंस है। उसके हॉस्टल के सामने गाड़ी घुमाता रहता है मंदिर के नाम पे। और बता नाम बता, नाम भूल गया बाबू का भाई, कुछ और गड़बड़ है महेश बाबू के साथ तेरी। चल चार ही हुई अभी तो, एक और बता। ये सोचता होगा मैं इसके जैसा दिखता यही सोचता होगा ये, क्योंकि पिक्चर तो पता नहीं। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं होता। वो एक फैक्ट है ना कि जब भी कोई प्रेग्नेंट होती है लेडीज, तो कमरे में बच्चों की फोटो वगैरह लगाते हैं कि उसकी तरह हेल्दी वगैरह। भाई बंदा बस सारे दिन देखता है, काश मैं ऐसा बन जाऊं भाई, मुझे पसंद है बस। अब तुझे एक पिक्चर और बता। चल भाई अब कहानी याद है, बैठ चो तो 10-15 मिनट से तू पांच फिल्में नहीं गिरा पाया उसकी। मुझे पसंद है यार वो। और महर्षि में कंपनी का नाम होता है ओरिजिन। हाँ यार तू यार ओरेकल ओरेकल नहीं होता यार, मैंने बताया ना उससे नाम था, उससे नाम था वो एम से नाम है महेश बाबू का। नहीं ओरिजिन बताया ना, कंपनी का नाम बता रहा है यार। फिल्म के नाम में कहीं ए आता है। देख भाई आता है ना। एक एस भी आता है। एक बताना, एक और। गूगल क्या कर रहा है? गूगल नहीं कर रहा है। अंडे वंडी संडे बिना कुछ बैक किए इधर कर दे फोन एक बार। बस पता चल गया हमें क्या देख रहा हूँ। ये यार महेश बाबू बढ़िया पिक्चर बनाता है। फर्स्ट सेमेस्टर महेश बाबू नहीं बनाता है, फर्स्ट सेमेस्टर पे महेश बाबू। क्यों आइडियल है उसको थोड़ी ना डालूंगा। आइडियल एक डायलॉग तो बोल दे फिर उसका कोई। अरे यार डायलॉग डायलॉग नहीं देखता हूँ। तो गांडू पिक्चर में क्या देखता है? आवाज बंद करके देखता है। क्या देखता है? उसकी जो हाइट है ना उसकी जो हाइट है हाइट
ऑरेंज इतनी हो उसकी हाइट। अरे यार ऑरेंज से दुगना है, दुगना ऑरेंज तो साले मुझसे छोटा है, पता नहीं भाई मैंने तो कभी नाप के नहीं देखा। आर्यन तुझसे छोटा है क्या? आर्यन का डबल पता भी है कितना हो गया? अरे डबल नहीं यानी देर तो होगा, आर्यन मुझसे छोटा है, खली से बड़ा है क्या वो भाई? यानी कि उसकी हाइट एकदम यानी कि जो होती ना वो परफेक्ट है। परफेक्ट कितनी होती है? वही है समझो कितनी होती है, अभी देख रहा उसकी हाइट छूती है यानी कि यार जिस हिसाब से ढाई हार्ट पढ़ना चाह रहा है ना उस हिसाब से तुझे उसकी कुंडली, बीवी का नाम, बच्चों का नाम, घर पर है, कितनी गाड़ियां है, कितनी बाइक है, कितने पैसे, कितने गांव उसने अपने नाम करवा रखे, सब पता होना चाहिए था। अच्छा चल इतना बता दे, अच्छा फिट में कितनी होती है? चूतिया ब्लॉग में बढ़िया बात हो रही है, बाद में क्या बदला तू? बाद में तो भाई आर्यन का डबल मेरे से बड़ा हो गया और ये तो मेरे से छोटा है। तेरी कितने मोहित? चार तू एक आखिरी पिक्चर का नाम बता। आखिरी पिक्चर यार वो कहानी याद करता हूँ, सीधा नाम तो बोल नहीं सकता, पता है गूगल तो किया ही है। गूगल नहीं किया है भाई, चल जल्दी जल्दी बता स्टोरी, बता चल स्टोरी बता, नाम तो मैं बता दूंगा से बड़े फैन तो मैं ही। अरे वाह भाई चलो कहीं जगह तो मिली हमारी थोड़ा जल्दी बता कहीं नहीं मिली भाई, कैसे लग रहा है तुझे मिली? अरे यार यार उसे पूरी फिल्मों के नाम स्टोरी अच्छे से पता है, तुझे को गाड़ी चलाता था वो बता रहा है अपने मन से एक स्टोरी ढूंढ के ये करेक्ट कर रहा है उसे भाई ये टीचर है तू स्टूडेंट है नर्सरी का? नर्सरी में गए नहीं ना भाई आर्यन भाई, इतना तो अभी बताया था यार उसने, जल्दी बता नाम। याद नहीं यार, मैंने तो इतनी सारी पिक्चर एक नाम नहीं बताया यार। यार देखी तो बहुत सारी उसकी पिक्चर मैंने, भूल गया हूं ना मैंने। अच्छा चल इसी का नाम बता दे जो अभी तूने स्टोरी बताई श्रुति हसन वाली, उसी का नाम बता दे। वही तो बता रहा हूं, नाम नहीं पता है यार, क्या आडवाणी के साथ कौन सी पिक्चर है उसकी उसके अलावा? तो पता है एक और है, एक और पता नहीं, पुरानी है ना शायद काफी या नहीं है? हाँ ठीक ठीक सी है, पता नहीं मैंने तो देखी नहीं वो पिक्चर भाई, मैंने एक बार देखी, कहानी बता भाई शायद पर देखी हूँ मैंने। अरे बैंडचोद सब नाम भी यही बता देगा तू, कष्ट कर तू 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 मेहनत मत कर, रहने दे भाई। अरे वो पिक्चर बड़ी वो है मेरे को सिर्फ टीवी पे दो बार दिखी वो, तू भाई को और दोनों बार मैंने पूरी देखी है। कहानी बता दे थोड़ी, शायद मैंने देखी हो यार, मैंने क्योंकि उसकी बहुत सारी भाई कियारा आडवाणी ही होती ना, तुझे चार दिन तक याद रहती हो, चार दिन नहीं चार साल। क्या भाई कहानी बता थोड़ी उसकी, महेश बाबू को तो भूल ही पा रहा। चल इतना बताता हूँ, उसका बाप ने गोल्डन राइस देके जाता है। अरे बस कर भाई इस टॉपिक को बदल, फिल्म वाले भाई पलंग क्यों नहीं बदल रहा तू यूं बता सत्तू भी चला गया, जो नया अटेंडेंट है वो बढ़िया है, लेंगे उसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा भाई, वो चिल है भाई, बस प्रेजेंट होना चाहिए कमरे में सही, पता नहीं अपने आप लगी रहती है, दादा ने कितने महीने हो गए लगाई भाई वो आता है उसे कह दो तीनों कमरे में प्रेजेंट है, फिर वो कहता है आर्यन विकास तीनों बराबर हाना बोले ना तब तक भाई जाता नहीं है। हमारे ऐसे होता है अगर एक भी है ना और वो कह देता है हाँ हॉस्टल में ठीक है, मैं तो एक दो एक बार मैंने कहा कि पहचान लग नहीं रही इतने दिन से प्रेजेंट, पूछ लेता हूँ भैया से रजिस्टर में, मैं कहा भैया मेरी प्रेजेंट लग रही है, लग रही है ना पूछा नहीं रूम नंबर, लग रही है सब लग रही है भाई। अगर तू उस दिन की तेरी एब्सेंट हुई ना और तू कुछ किसी का मर्डर करके आ गया, खुद को फांसी चढ़ा ली,
तब इन पे केस ठुक जाएगा ना, इसलिए लेते हैं बस ये प्रेजेंट और ये कर भी देते हैं प्रेजेंट है भाई हमारी तरफ से, तो यही तो दीवार टाप के चला गया हमें या फिर मतलब किसी का उड़ा दिया, किसी का बेड बदल दिया, बेड के साथ उसको ही बदल दिया, सुबह सर सर बोल के बात कर रहे हैं जी सर आप जैसा कहे सर वैसा हम करेंगे सर। यार विकास क्या होगा तेरे साथ 22 में, तो ही सोच रहा हूँ 22 को कितने बजे जा रहा तू? शाम की ट्रेन होगी नहीं ते अंबाला जाना है भाई पहले। हाँ तो शाम की तो ट्रेन है वहाँ की, नहीं 23 तारीख की है सर। देख ले लपेट लिया भाई 22 रात को लपेटे गए तुझे 22 को तेरे साथ बहन नंगा नाच करूंगा। हाँ भाई 22 को मैं भी रुक रहा हूँ, वरना मैं 22 को ही चला जाता। रुकते हैं भाई एक रात तक, 22 अब रुक रहे हैं, कोई नहीं जा रहा भाई। जा रहा तू यार ट्रेन है क्या? हाँ फिर तो जा, एक महीने पहले टिकट बुक हो गया। मैंने भी भाई मैंने दो महीने, तू तो 23 को जा रहा है ना, पर मैं तो 22 देख 22 की रात को इसे वीडियो कॉल कर लेंगे भाई जी। भाई एच वन और अनऑफिशियल में फोटो के साथ मैसेज डालियो कि भाई किस किस को दिक्कत है 100, हाँ किस किस को दिक्कत है 119 पे आओ सब ने चाहिए भाई मुझको। ले कसम से भाई तेरे को आधा हॉस्टल जानता है और चूतिया के नाम से जानता है, क्योंकि तेरा सबको नाम नहीं पता, फोटो सब जानते हैं तेरी शक्ल से जानते हैं। हाँ हर फ्लोर पे तेरे रूममेट कौन कौन है मेरे से कोई पूछता है? एक तो केशव है क्या, कौन सी ब्रांड में एमएनसी का? अच्छा ठीक है, तो एक विकास का, विकास कौन भाई? फोटो दिखा, देखते पता कैसे बोलते हैं ये चूतिया। हाँ भाई कसम से यही रिएक्शन आता है। ठीक भाई मैं चूतिया ठीक, और कुछ बच के रही और कुछ और वो भी तो, अब भाई देख मैं लगाऊंगा कैमरे भाई, इसको मैं मिस नहीं कर सकता प्रोग्राम भाई, भाई मैं तेरे को लग रहा है मिस करने दूंगा यूट्यूब पे उसका टाइटल ही मौत का नंगा नाच होगा। तो तू बस मेरे पास लिंक भेज दे, संकल्प जोरी से स्टोरी लगाऊंगा उसको ही गाली देंगे बहन के लड़के को पहले तो कर लोड़ा आ गया ऑडियंस का भुक्का आ गया मेरे से चैनल पे आ गया बैठ का लोड़ा बीप कर लेते हैं मेरा चैनल बहुत चलेगी भाई बहुत चलेगी बीप कर लेते हैं मेरे खुद का एडवांस निकला नहीं मजा आ गया भाई मजा आ गया ये अरे अरे एकेडमी के साथ पढ़ाता था पहले कोलैब कर लिया था नहीं इसने खुद का कोलैब नहीं उनका वो होता है टीचर प्रोग्राम तुम टीचर बन सकते हो अब तो खुद का ऐप वगैरह खोल रखा है उसने मस्त मैं जिनके साथ घूमता हूँ ना उनका ऐसे प्लान है बस एक बार 1 मिलियन हो जाने दे इसके इसके नंगे नंगे की वीडियो लीक होगी यूट्यूब पे हॉस्टल में कैसे रहता था ऐसे वायरल होगी बीच में भी तो हो गया था जब इसकी बैग लग गई थी किसी इसके कमेंट सेक्शन बढ़ दिए थे तेरी तो बैग लगी है ज्ञान के चौधरा है एक कमेंट तो मेरा ही उसका तब ना ताजे ताजे वीडियो आई थी अगर आपने ये नहीं करा तो आपका नहीं होगा तो मेरी बात उसके बाद पोस्ट आई थी फिर इसकी अगले दिन भाई मेरे से ये क्यों कह रहे हो वो तो ये हो गया ये ऐसे लग गई है मैं रिपोर्ट कार्ड दिखा दूंगा ये दिखा दूंगा वो दिखा दूंगा। अरे भाई क्रिएटर की भी गलती नहीं है ना उसकी चाटने वाले ज्यादा हो जाते हैं समझ अब आप हेट दे रहे हैं ना उसे ये लगेगा हेटर्स तो होते ही हैं हेटर्स की नाम दे देगा हमें कि जलते हैं साले मुझे जलते हैं भाई तेरी फेम चाहिए हमें तू सारे संकल्प जोरी की लगा ले फोटो उसका जैसा तो बन भी जाएगा बन सकता है भाई संकल्प जोरी जैसा तो ना कहते मेरा डुप्लीकेट है नकली है साला मेरा चैनल वैनल हैक कर लिया था सकल वो करवा ये एक ही चीज है जिसमें हम तेरा सपोर्ट करेंगे और उतने दिन तक ही करें जब तक लोग तुझे समकल जो रिमांड नहीं लेते और वैसे उस दिन मेरे कमरे में कह रहा था कि भाई एक्टिंग करनी पड़ती है थोड़ी हाँ तो एक्टिंग तो अच्छा है ही करता तू अच्छा अच्छी नहीं करता भाई बहुत गंदी करता है दिखना चाहिए ना असली संकल्प जोरी है भाई संकल्प अलग फिलेगा इससे है ना कॉपीराइट आ जाएगा ना कॉपीराइट तो क्या उस चूतिया से डरता है कॉपीराइट है हां बात चुदाए वेंचर एक सब्सक्राइबर से कॉपीराइट से डरूंगा मैं किसके कमरे में जा रहा अटेंडेंट के पास जा रहा होगा पता चले ये आए जब तक इसका पलंग शिफ्ट अभी कर देते हैं और ये अटेंडेंट के सामने से लड़ भी नहीं सकता भैया मेरा पलंग यहां था यहां था किसको कहता भैया मैं तो यही था इतने दिनों से डिल्यूजन में है ये डायलॉग डायलॉग जोड़ देगा यार छोड़
पलंग पे लिख देना अंडी बंडी संडी विकास रंडी तू यहाँ सोया, दो पलंग पे लिख देना कमरे पे ताला ही लगा के चला जाऊंगा माँ की चूत भाई यही है किसी और कमरे में सोएगा एक दो दिन अगर तू लेट आया तो केशव तेरे पे कमरे की चाबी पड़ी है ताले की बस अरे इसके पास भी पड़ी है अरे देख अरे मेन दिक्कत तो केशव की है ना अरे मेन दिक्कत तो केशव की है ना अब केशव केशव बख्शो दो ले पकड़ तो अभी करवा देते इसका पलंग चेंज तो मेरे जैसे तो भाई एक बार बीच में आने के बाद भाई कौन है तू मेरे पलंग पे क्यों वो कर रहा तू यार चूतिया ये भैंचोद इमोशनली वो करके आ गया और अब जा नहीं रहा हाँ भाई उस दिन है ना बहुत बहस हुई थी हमारी हमारा तो सही था क्योंकि जब भी आता था लोकी हम बेड डोड़ लेते थे और पड़े रहते थे भैंचोद फिर ये एक दिन भाई मेरा भाई आ रहा है साले इसीलिए है कि तुम बेड ना जोड़ो लोकी ना आए नहीं लोकी तो फिर भी आना नहीं रुका वो तो आएंगे यार हाँ कितना रोक लेगा ये साला बात करने गया था ऊपर चला गया हाँ मेरे को तो भाई गड़बड़ लग रही है उस बंदे में ना वो 1881 जो है उसके पास चला गया वो किसी और के पास चला गया उसका पार्सल तो वो बहन का लोड़ा ये कह रहा है मैं अभी घर पे नहीं हूँ मैं घर जब जाऊँगा तो बहन चो तो फ्री फंड का साबुन मंगाई थी आईफोन आ गया अरे जब लिया होगा वो तो हफ्ते दो हफ्ते हो गए ना उस बात को हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो चूतिया बना रहा है कि मैं घर पे नहीं हूँ ये अरे मेल का ओटीपी नहीं आता केशव ये जो डाक लेके आते हैं ना इनका ओटीपी थोड़ी होता है कुछ हाँ डाक से आया था उसका तो साइन तो करते हैं हाँ साइन करवाते हैं साइन करते हैं वो बस फॉर्मेलिटी होती है डाक की ना तो पता होगी कहाँ गया है वो तो वो ही जाने कहाँ गया है मेरे को इतना नहीं पता तो भाई घर जा सकता उसके फट गई होती अब तक लोकेश की अगर खोरा होता मिल जाएगा उसे भाई वो इतना सीरियस नहीं है मेरे को तो देख टू बी ऑनेस्ट काफी शक है ना गड़बड़ी तो हो सकती है बट वो बंदा ये कह रहा है ना मैं अभी घर पे नहीं हूँ मैं घर जाके पोस्ट आपका वापस करवा दूंगा अरे नहीं यहाँ से गुजरात गया गुजरात से उसने इंडियन पोस्ट कर दी फिर अभी गया कहाँ है वो कौन से स्टेट में वो यो इतना सब मेरे से फोन मिला उसे स्पीकर पे ले अभी पूछते हैं